स्ट्रिंग की प्रॉब्लम में मान लो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और नीचे एक मास लगा हुआ है 2 kg का। इनिशियली पेंडुलम ऐसा था, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इसको, मैं इसे साइड पे ले गया कुछ ऐसे ऐसे, सच दैट ये मास यहां पर है 2 kg का। मैं कैसे साइड पे लेके गया, मैं ऐसे लेके गया कि इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, लेट अस सपोज 10 न्यूटन। तो मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो इनिशियली डायग्राम ऐसा था, फाइनली ऐसा बन गया, दो इकट्ठे डायग्राम नहीं है, ये चल नहीं रहा, ये इनिशियल था, इसको ये मुझे चाहिए नहीं है, बस यहां पे आके ये डायग्राम है और यहां पे आके ये चल गया, यहां पे आके रुक गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो यहां पे रुक गया, फोर्स यहां पर राइट की तरफ क्या है 10 न्यूटन, ठीक है यहां तक? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सबको मालूम है जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना एक्ट करेगा 2g। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मास है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये मास किसके अंदर है, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, 0। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, अब क्योंकि ये टाइट है, ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग टाइट है, तो इसमें क्या होगी टेंशन, तो ये टेंशन इधर से, ये भी टेंशन टी एंड टेंशन टी। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? ये लो, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे केस में, आपने इसमें लाइन ड्रॉ करके ये एंगल सपोज थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी क्या थीटा, थीटा थीटा अल्टरनेट, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? अब इसके अंदर ये टेंशन टी के दो कंपोनेंट्स हैं, जो टेंशन टी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये रहा जिसकी वैल्यू बोलो क्या होगी, जिसकी वैल्यू है कितनी टी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। कोई कहता है परपेंडिकुलर राइट भी तो आता है, भाई राइट कैसे है? टेंशन यहां फंसी पड़ी है, आप कंपोनेंट यहां तो ना लोगे, टी का एक कंपोनेंट इधर एक इधर, क्लियर है यहां तक? और क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो ऊपर की फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू नीचे की फोर्स इज इक्वल टू 2g, नेट फोर्स 0 वाई एक्सिस की, और उसी तरीके से टी साइन थीटा इज इक्वल टू 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोनों इक्वेशंस? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं तो टेन ऑफ थीटा क्या आ गया, 10 / 2 × 10 यानी कि हाफ, तो टेन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो क्वेश्चन आएगा कि एंगल बताओ वर्टिकल के साथ क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1/2 पहला आंसर। फिर पूछेगा टेंशन क्या है, इस टेन थीटा की वैल्यू को, क्योंकि टी साइन थीटा की वैल्यू लेट अस सपोज हमारे पास कितनी गिवन है 10, हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1/2, पाइथागोरस लगाओ तो ये साइड क्या आएगी √5, तो साइन थीटा क्या आएगा 1/√5, तो यहां पर पुट कर देते हैं 1/√5 इज इक्वल टू 10, तो टेंशन की वैल्यू आएगी 10√2 न्यूटन। इसे प्लीज एक बार नोट करें और ध्यान से देखें कि इसमें क्या किया है, डायग्राम साथ साथ बनाएं।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद कोई भी रस्सी अगर टेढ़ी होगी, ऐसे टेंशन अगर इस तरीके से होगी, रस्सी टेढ़ी होगी या फोर्स टेढ़ी होगी या वेलोसिटी टेढ़ी होगी एंगल पे, जैसे प्रोजेक्टाइल में था, सबसे पहला काम उसके क्या ड्रॉ करने हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। टेंशन के भी ड्रॉ क्या किए? कंपोनेंट्स। तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? तो आज की बात कभी भी पेंडुलम टाइप ऐसा क्वेश्चन आए, टेंशन इस तरीके से उस टेढ़ी हो, सबसे पहले आपने कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। कोई डाउट इसमें? अगले टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, रस्सी है, स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना प्लीज। आपके पास एक स्ट्रिंग है सच दैट यहां पर ये एक मैन है ऐसे लटका हुआ है, ठीक, यहां पर भी ये मैन यहां पे लटका हुआ है, यहां पर भी ये मैन यहां पे लटका हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसके लोअर हिस्से में जहां से उसे पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, उसके नीचे के हिस्से पे टेंशन क्या होगी? इस रस्सी में क्या होगी? ये हवा में लटकनी होगी। आप जो रस्सी पकड़ोगे ऊपर वाली टाइट मिलेगी, नीचे वाली हवा में, उसमें तो वो थोड़ा टाइट होगी, तो टेंशन क्या होगी? जीरो। टेंशन यहां पे होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पे इसका मास है 10 kg मैन का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 10 kg है। तो क्वेश्चन है, और इसका ऑब्वियसली वेट कितना करेगा? 10g 10g एंड 10g, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये मैन यहाँ पे पहले केस में रेस्ट पे है, तो आपको स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। दूसरे केस में मैन ऊपर चढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meters per second square, आपको टेंशन निकालनी है। तीसरे केस में नीचे उतर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meters per second square, आपको टेंशन निकालनी है। हाँ जी बोलो, पहले में आंसर क्या है? पहले केस में आंसर 10g। ऑनलाइन क्लियर है? क्यों? Yes, sir. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो टेंशन पेयर में ऐसे, तो ये क्या है? टी। ये क्या है? टी। ऐसे ही है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? टेंशन इज इक्वल टू कितना? 10g। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? दूसरा, इस केस में अगर हम टेंशन ड्रॉ करें तो ये टी और ये टी, टी एंड टी, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर। तो फ्री बॉडी डायग्राम में टी माइनस 10 जी
टी माइनस टेन जी इज इक्वल टू टेन इंटू ए, ए कितने हैं टू, तो टी क्या आएगा टेन जी प्लस ट्वेंटी, तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी। नेक्स्ट है इस केस में टेंशन की वैल्यू, ये देखो ये टी है और ये टी है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है नीचे, तो टेन जी माइनस टी इज टेन इंटू ए, तो टी की वैल्यू क्या आएगी टेन जी माइनस टेन ए। कोई डाउट इसमें? आपने एक चीज नोट की, बंदा वही है रेस्ट पे है, टेंशन कुछ और है, अगर ऊपर चढ़ रहा है एक्सेलरेशन के साथ तेज तेज तेज, टेंशन बढ़ गई, रस्सी टूट सकती है। जब भी आप रस्सी पे ऊपर चढ़े आराम से ऊपर चढ़े, तेज चढ़ेंगे रस्सी टूट जाएगी क्योंकि टेंशन बढ़ती जाएगी और सहने की लिमिट है इसकी, और नीचे उतरेंगे टेंशन कम हो जाएगी, मतलब आराम आराम से अगर तेज भी उतरेंगे तो अच्छा ही है, तेज उतरने में फायदा है, टेंशन कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ये लिफ्ट वाला केस ही बना है। फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास ये मैन है, 10 केजी का मैन है। क्वेश्चन है कि ये मान लो इसको ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो, ये कितनी तेज चले ताकि मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में 200 न्यूटन हो, बस 200 न्यूटन राइट, तो मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन हो। अच्छा, आ गया? हाँ जी, कितना आंसर है? देखो आंसर तो 10 आ गया, ये मैक्सिमम का चक्कर क्या है? कुछ नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप एक बंदे को कह रहे हो ऊपर चढ़, और रस्सी टूट जाएगी 200 न्यूटन से ऊपर, अगर 200.1 न्यूटन भी हो गया रस्सी टूट जाएगी। सबसे पहली चीज क्या बोलोगे, भैया आराम से चढ़ियो, क्योंकि आपको ये पता लग गया पिछले क्वेश्चन से कि अगर एक्सेलरेशन उसे ज्यादा कर दी तो टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी एक्सेलेरेशन कर दे कि टेंशन 200 एक्सीड हो गए नीचे गिर जाएगा, तो यानी कि चक्कर तो है मैक्सिमम का। वो कहता है जी अच्छा मैं डर के चलता हूँ, मैं ना 0.1 एक्सेलेरेशन से चलना शुरू कर देता हूँ। भाई मैंने कहा इतना भी नहीं डरना, थोड़ी तेज चल। कहता ठीक है जी मैं 1.2 से चल पड़ता हूँ। मैं कहना ना और तेज चल, अगर मैं बहुत तेज चल पड़ूंगा तो मैं हो सकता है टूट भी जाए स्ट्रिंग। तो मैंने कहा ठीक, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से चल कि अगर तूने उससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन की तो रस्सी टूट जाएगी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे काम कर। मिनिमम तो कुछ भी, मिनिमम में क्या है, वो तो खड़ी जाएगा 0.1 से चल पड़ेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का चक्कर तो है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको निकालनी है कि ये रस्सी टूटे ना। देखो मुझे नहीं पता इसमें क्या, ये इसमें आपने कैसे किया, ये तो किया होगा, यहाँ पे टेंशन क्या है टी, यहाँ पे टेंशन क्या है टी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ का वेट क्या है, यहाँ का वेट है टेन जी, ये रहा। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 10g is 10 into a, क्या ये स्टेप क्लियर है? सबने ऐसे किया, नो डाउट आपका आंसर तो सही आएगा इसमें टी पुट करने का। अब मैक्सिमम का चक्कर क्या है ये समझ लो, मैक्सिमम का ये चक्कर है कि ये बताओ कि देखो मैथ्स के अकॉर्डिंगली ये तो है कांस्टेंट,
अगर आप टेंशन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम बता दें, अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो यानी कि अगर आप टी मैक्स करेंगे तो ए भी ऑटोमेटिकली मैक्स आ जाएगा। तो टी मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बने, 200। तो -10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू ऑटोमेटिकली ए क्या आएगा, ए मैक्स। तो यहां से 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए मैक्स, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ए मैक्स क्यों? तो जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो बोलेगा ए मैक्स टी मैक्स, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ना ये जो लैंग्वेज है आपको समझ में आनी चाहिए कि लैंग्वेज है क्या। तो समझ में आ रहा है ये ए मैक्स और टी मैक्स का क्या रिलेशन है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद देखो, ये क्वेश्चन है, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट के अंदर मैन है और लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट। क्वेश्चन है लिफ्ट कितनी एक्सेलरेशन से नीचे उतरे कि वेइंग मशीन पे मैन का वेट, वेइंग मशीन पे लिफ्ट के अंदर जो मैन का वेट आएगा वो अपरेंट वेट होगा, एक्चुअल वेट कभी नहीं होगा। एक्चुअल वेट हमेशा कब सही आता है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है। तो अपरेंट वेट का मतलब किसकी बात हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन की। तो यानी कि अपरेंट वेट मैन का mg/4 हो जाए। जब लिफ्ट नीचे उतरती है विद सम एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन अपरेंट वेट क्या होता है, m×g-a। तो n की वैल्यू यहां पर क्या है, mg/4। m से m कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? ये हमने कर लिया, वो बंदा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि सपोज करो एक ट्री है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक मंकी है, मंकी 60 किलो का मंकी है, और ये रस्सी यहां से यहाँ क्लैंप पे बांध रखी है। क्लैंप समझते हो, खूंटा ऐसे डाल रखे है मिट्टी में और रस्सी बांध के ऐसे वो ऊपर टिका हुआ है। अब ये रस्सी इस तरीके से है। क्वेश्चन है कि बताओ कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर चढ़े। अब चक्कर तो है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्यों, अगर मंकी ज्यादा तेज चढ़ गया तो टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ेगी तो ये बाहर आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि टेंशन कहाँ जोर लगाएगी, उस क्लैंप पे, क्लैंप उखड़ जाएगा। वो क्या कह रहा है कि जो बताओ कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाए ताकि क्लैंप के ऊपर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स बोलना चाहिए, मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स क्लैंप के ऊपर 360 न्यूटन लगे। तो मैक्सिमम फोर्स क्लैंप के ऊपर क्या लगे, 360 न्यूटन लगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अपवर्ड फोर्स समझते हो, ये अगर क्लैंप है तो क्लैंप की अपवर्ड फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी ये। तो अगर 360 इसकी लिमिट है, अगर आपने 360.1 भी कर दी, क्लैंप उड़ जाएगा। तो लास्ट वैल्यू ये टॉलरेट कर पाएगी अपवर्ड फोर्स की कितनी, 360। तो बस उसके हिसाब से मंकी की एक्सेलरेशन बतानी है मैक्सिमम क्या होगी। अब चलो बाकी सब छोड़ो, ये बताओ जो मंकी है 60 kg का, रस्सी में टेंशन टी है, टेंशन टी एन टी पेयर में, तो ये मंकी यहाँ टेंशन टी है और इसका वेट कितना है, और 60 g है, ये ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर चढ़ रहा है तो इस केस में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t-60g इज 60 × a, 60 × a। कोई डाउट इसमें, राइट? तो t-60g 60 है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये बताओ कि मंकी की एक्सेलरेशन आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो आप यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन भी क्या चाहोगे, मैक्सिमम। तो अगर मैं आपको टी मैक्स बता दूं तो ए मैक्स आ जाएगा, सही है? अब टी मैक्स निकाल लें। अब स्ट्रिंग टेढ़ी है, जब स्ट्रिंग टेढ़ी होगी, टेंशन टेढ़ी होगी, उसके क्या बनाने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स। आप डिसाइड किया पेंडुलम वाले केस में, जब भी फोर्सेस या वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर टेढ़ा होगा उसके दो कंपोनेंट बनेंगे बनेंगे। इसमें ये टेंशन है क्लैंप के ऊपर, इसके दो कंपोनेंट t cos θ, t sin θ। तो इस क्लैंप पे अपवर्ड फोर्स कितनी है, t sin θ अपवर्ड। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अपवर्ड मैक्सिमम फोर्स कितनी है, 360
360, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अपवर्ड फोर्स 360 मैक्सिमम है तो अंडरस्टूड है टी की वैल्यू भी यहां पर मैक्सिमम है. तो टी मैक्स इंटू साइन 30 360, साइन 30 हाफ है, टी मैक्स आ गया. अब मंकी की इक्वेशन क्या थी, पी माइनस 60 ए, तो आपने अगर टी मैक्स पुट किया तो ए भी मैक्स है, तो टी मैक्स की वैल्यू पुट करके आंसर. कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आप, क्या लगेगा इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है.